नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। प्रयागराज के होलागढ़ में सोराव तहसील क्षेत्र के विकास खंड होलागढ़ ग्राम सभा जमुनीपुर में ग्राम प्रधान रामबचन द्वारा कराए जा रहे इंटरलॉकिंग निर्माण के मामले में ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा के प्रेमचंद मिश्रा, फूले चंद मिश्रा, बाहुबली शोरे पुस्ती लोगों के द्वारा ग्राम प्रधान को उसी जगह जान से मारने के साथ ही जाति सूचक शब्दों की गाली देते हुए उन्हें अपमानित किया गया। अराजक तत्वों द्वारा अनाधिकार रूप से आपत्ति जताया जा रही है। आपको बता दें कि जमुनीपुर ग्राम सभा के प्रेमचंद मिश्रा, फूलचंद मिश्रा जो जबरन सरकारी कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्राम सभा के सभी लोग इंटरलॉकिंग का निर्माण करना चाह रहे हैं, जिसके संबंध में ग्राम प्रधान द्वारा स्थानीय थाने में लेकर शिकायत भी की गई। शिकायत पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर अवरुद्ध करने वाले लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने लगा, लेकिन पुलिस प्रशासन जाने के बाद वो लोग फिर से ग्राम पंचायत से बनवाए जा रहे इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य करने में अवरोध करने लगे। ग्राम प्रधान ने बताया कि जबकि उक्त इंटरलॉकिंग के निर्माण से पूरे ग्राम सभा का आवागमन सुगम और सहज हो जाएगा। उलागढ़ से अरविंद यादव की रिपोर्ट। सर, हम ग्राम प्रधान जमनीपुर रामबचन पासी, मेरा नाम है। सर, हम अपने गांव में काली माँ के थान से अब्दुल मालिक के अब्दुल खालिक के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य करा रहे हैं, जो हम मनरेगा से उसको पास कराए हैं। सर, हमारी जनता 50 घर की जनता सर उधर से आती जाती है। हमारे गांव की जनता को आने जाने में बहुत परेशानी है। पहले से खड़ंजा बिछा हुआ है, उसी खड़ंजे पे साहब हम इंटरलॉकिंग करा रहे हैं। हमारे गांव के कुछ दहभंग टाइप के दो व्यक्ति हैं, जिनका नाम है प्रेमचंद मिश्रा और फूलचंद मिश्रा। ये लोग इंटरलॉकिंग का काम हमको करने नहीं दे रहे हैं। मैं जैसे वहां काम लगाने गया, वो लोग वहीं पे पहुंच आए और तुरंत हमको भद्दी भद्दी गाली देते रहे और कहने लगे कि पासी साले, तुमको मार कर यहीं गाड़ दूंगा अगर यहाँ काम लगाओगे। इस गांव को मैं जमला मऊ बना दूंगा। जमला मऊ में एक एससी प्रधान था, उस एससी प्रधान को जान से मार दिया गया, उसी को उदाहरण हमको देते हैं और काम को बंद करा दिए हैं। अभी काम हमारा बंद है। मैं अपने यशो महोदय होलागढ़ को जाकर लिखित दरख्वास्त दिया। दरख्वास्त पाते ही हमारे यशो महोदय, हमारे एक यादव जी, दरोगा जी और तीन सिपाही उनके साथ में आए। वो लोग बहुत प्रयास करे कि समझौता हो जाए, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं। बहुत दहपंग टाइप के आदमी हैं। यही साहब हमारा कहना है कि गांव की हमारी जो जनता है वो आने जाने से बहुत परेशान है। इस रास्ते से कम 300 घर, 300 से ज़्यादा जनता हमारी आती जाती है। 50 घर का उधर से आवागमन है, जिसमें एससी भी हैं और मुस्लिम भाई हमारे हैं, और उनको आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाथ जोड़कर हमारा प्रार्थना है कि ये रास्ता बन जाए, जिससे हमारे जनता को आने जाने में सुविधा बढ़िया हो जाए और हमारी जान की रक्षा की जाए। ये लोग जो हमको जान से मार देने की धमकी दिए हैं, वहीं पर गाड़ देने की धमकी दिए हैं, इनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए और हमारी जान की रक्षा की जाए। बस यही इतना हमारा कहना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।